Welcome to Marine Beast guys. How are you? I think everything is fine. So today we are talking about a type of ships. So let's start the video guys. First type of ships. Ship kitni tarah ke hote hain, lekin usse pehle hame jana hai what is ship? Ship hai kya? What is ship? A ship is a floating vessel using for transporting cargo across the ocean and seas. Ship come in different size and arrangement to carry different type of cargo. Ship ek pani pe jo फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है, वो एक ऐसा वाहन जिसको बोल सकते हैं जो समुंदर और ओशंस वगैरह में चलता है, और वो अलग अलग तरह के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कार्गो कैरी करते हैं. इम्पोर्टेंट ऑफ द रोल ऑफ शिपिंग एंड शिपिंग ट्रांसपोर्ट अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड कार्गो. शिप में 90% तक हम लोग कार्गो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. जो हम लोग जैसे ट्रक वगैरह में जाते हैं, 90% जो शिपिंग का रोल है, जो हमारे शिपों का रोल है, वो 90% तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय शिपों से ही होता है, शिप से करते हैं. द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द शिप. हम लोग बोल सकते हैं जो इकोनॉमी वगैरह वर्ल्ड की वो डिपेंडिंग करती है शिपिंग के, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, काफ़ी चीज़ें जो देश में इधर उधर जा रही है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी डिपेंड करती है. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ शिप्स. फर्स्ट हमारा है जनरल कार्गो शिप. जनरल कार्गो शिप इट इज़ यूज कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई कार्गो इन पैकिंग फॉर्म. जो मतलब ड्राई कार्गो होता है, जैसे भी कुछ जो चावल वगैरह कुछ भी है, लेकिन वो पैकिंग है, ओपनली हम लोग नहीं फेंक रहे, उसमें पैकिंग फॉर्म में होता है. तो वो शिप देखने में कैसा होता है गाइस? ऐसा होता है, जनरल कार्गो शिप लुक लाइक दिस. ऐसा होता है कोई भी, और जो कैरी वगैरह होता है, जो भी हम लोग कैरी करते हैं, इसमें अपने क्रेन भी होते हैं और पोर्ट की क्रेन से भी हम लोग इसमें लोडर करते हैं, लोड अनलोड करते हैं. एंड नेक्स्ट वी गाइस लुक लाइक बल्क कैरियर शिप. बल्क कैरियर शिप क्या है? इट इज़ यूज कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ अनपैकिंग बल्क कार्गो सच एज कोला, ऑयल, सीमेंट. मतलब कुछ ऐसी जो कार्गो है जो अनपैक, जैसे सीमेंट ओपनली डाल दिया, मतलब थैले के थैले जो बड़े वगैरह है या कोला है ओपनली उसमें डाल दिया, वो देखने में कुछ ऐसा होता है. और उस पर हैच वगैरह होते हैं, जैसे बारिश में भी उसको क्लोज करके रखा जाता है ताकि हमारा जो कार्गो वो डैमेज ना हो जाए, पूरा सेफ चला जाए. तो जो जनरल कार्गो और बल्क कैरियर है, इसमें पैकिंग में भी जाता है, वो डिपेंड करता है शिप के साइज़ पे भी डिपेंड करता है और रूट पे भी करता है गाइस. एंड नेक्स्ट गाइस टैंकर शिप. टैंकर शिप जो होते हैं गाइस, वो डिफरेंट तरह के होते हैं. जैसे गाइस क्रूड ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस टैंकर, प्रोडक्ट टैंकर, बिटमन टैंकर, ये सभी कैरी तो लिक्विड ही करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट. जैसे मान लो अभी गैस है, गैस को अगर कंप्रेस किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो कैरी तो वो सब वही करते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग है. और जैसे मैं बता दूं, जैसे कि टैंकर का देखो, टैंकर का देखो, क्रूड ऑयल टैंकर. क्रूड ऑयल टैंकर क्या होता है? इट यूज़ कैरी क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोल ऑयल एंड मैनी अदर लिक्विड लाइक पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये तरह के जो लिक्विड है ये क्रूड ऑयल में कैरी किए जाते हैं गाइस, और देखने में कुछ ऐसा होता है वो. उसके आगे है नेक्स्ट गैस टैंकर. गैस टैंकर होता है गाइस, इट यूज कैरी वेरियस टाइप ऑफ गैसेस लाइक एलपीजी, एलएनजी एंड अदर गैसेस इन लिक्विड स्टेट. जो गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में किया जाता है, वो सब गैसेस कैरी किए जाते हैं गैस टैंकर में, और गैस टैंकर गाइस देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज केमिकल टैंकर. केमिकल टैंकर यूज कैरी वेरियस केमिकल इन बल्क. जो केमिकल होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में कैरी किया जाता है, जो वो केमिकल टैंकर होते हैं. जैसे केमिकल बहुत तरह के होते हैं, हम लोग सोप वगैरह, ये तो नॉर्मल वाले हो गए ना, तो बहुत सारे केमिकल होते हैं गाइस. जैसे कि डी ग्रीसर, आपको शायद पता होगा, शिप पे जाओगे पता चल जाएगा. कुछ ऐसे ग्रीस होते हैं, कुछ हमारे पार्ट होते हैं जिनमें ग्रीस लगाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा ग्रीस होने की वजह से हम लोग अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते. तो उसके लिए ऐसे डी ग्रीसर, जैसे एक डी ग्रीसर केमिकल है वो होता है, वो जैसे ग्रीस पे डालते हैं 10-15 मिनट बाद सब जैसे लिक्विड की तरह होता है ना, सब निकल ही जाता है वहाँ से. तो अच्छे से पानी मारोगे तो साफ हो जाता है. तो वैसे उस तरह के केमिकल वगैरह बहुत और भी सारे केमिकल जो कैरी किए जाते हैं केमिकल टैंकर में, और देखने में कुछ ऐसा होता है केमिकल टैंकर गाइस. नेक्स्ट है हमारा रोल ऑन रोल ऑफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रोरो बोलते हैं. तो रोरो में हम लोग क्या कैरी करते हैं? इट इज यूज कैरी व्हीकल. व्हीकल किस तरह के, कार, ट्रक, कुछ भी हम लोग कैरी कर सकते हैं उसमें. तो जो देखने में गाइस कुछ ऐसा होता है, जैसे आप देख सकते हो इसमें, जैसे आप देख सकते हो, ये देखो
ये ना ये बीच में ऐसे अरेंज किया जाता है जो भी हम लोग कार वगैरह, और उसको उसको ना अच्छे से सिक्योर किया जाता है, बांधा जाता है उसमें, तो अच्छे से इसको देखा जाता है। और देखने में बाहर से तो ऐसा होता है, लेकिन अंदर से उसमें इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है रो रो वेसल्स में। सो हमारा जो नेक्स्ट वेसल है गाइज, वो है हमारा रेफरशिप है। रेफरशिप में क्या होता है, इट यूज कैरी अ फ्रीजर आइटम लाइक फ्रूट मीट मिर्च वेजिटेबल एंड डेली प्रोडक्ट। जो इसमें कहता है कुछ इस तरह से होता है, इसमें फ्रीज़र मतलब बहुत बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं, जिसमें हम लोग फ्रूट मील्स जब मच्छी वगैरह होती है जो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती ना, तो अगर इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो जैसे कुछ वेजिटेबल भी कुछ करते हैं हम लोग या डेली प्रोडक्ट के तौर पे, तो इसमें बहुत बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं जिससे कि ये ज़्यादा टाइम तक स्टोरेज कर सकता है कुछ भी मील्स हो गया या फिशेज हो गया किसी को भी, तो ज़्यादा दिन तक उसमें कैरी किया जा सकते हैं गाइस। तो उसके नेक्स्ट है हमारा कैटल कैरियर। कैटल कैरियर में क्या होता है, इट यूज कैरियर अ लाइव एनिमल, जिंदा जिंदा जानवर इसमें कैरी किए जाते हैं, और देखने में कुछ ऐसा होता है और उसके अंदर कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि हम लोग जो जानवर है कैरी करते हैं, जैसे कुछ देशों में वो करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो इस तरह से होता है वो होते हैं कैटल कैरियर में। सो नेक्स्ट है हमारा पैसेंजर शिप। जो पैसेंजर शिप होते हैं वो गाइस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रूज लाइन। क्रूज लाइन कौन सी लाइन होती है जो अब्रॉड जाती है, अब्रॉड मीन्स जो इंडिया से बाहर, मतलब हमारा जैसे इंडिया, इंडिया से बाहर लॉन्ग रूट, जैसे उनका सिंगापुर से हो गए ये कैनेडा वगैरह सब, मतलब अलग अलग देश में जाना, वो होता है क्रूज लाइन जो अब्रॉड में घूमते रहते हैं। और दूसरे होते हैं हम लोग बात करते हैं फेरी। फेरी होते हैं जो नॉर्मल इंडिया में, जैसे हम मुंबई में चले जाओ पोर्ट पे, तो वहाँ पर आपको एलिफेंटा के वहाँ पर जाने के लिए या छोटे मोटे, तो वहाँ पर जो वेसल वगैरह मिलती है वो होते हैं फेरी वेसल। तो पैसेंजर भी दो तरह के होते हैं। तो देखने में गाइस जो क्रूज वेसल है वो आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया अब्रॉड के लिए यूज होता है, वो कुछ ऐसे होते हैं बड़े वाले, उसमें सेफ्टी सिस्टम भी ज़्यादा होता है, लाइफ बोट लाइफ राफ्ट ये होते, तो छोटे वाले में भी है, लेकिन जितना बड़ा शिप होगा उतना ज़्यादा उसमें स्विमिंग पूल है वो, तो ये क्रूज शिप में होता है। तो उसके बाद फेरी शिप जो होते हैं, इट यूज़ कैरी पैसेंजर टू इन इंडिया, इंडिया में मतलब घुमाने फिराने के लिए। ये ऐसे वेसल्स होते हैं जो छोटे छोटे पोर्ट में घूम के, मतलब इनका ट्रैवलिंग एक दिन दो दिन का हो सकता है, लेकिन क्रूज जो वेसल होते हैं वो लंबे एक एक मंथ दो दो मंथ तक, एक एक 15 15 दिन तक चलते रहते हैं, तो वो होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टग बोट गाइस। टग बोट क्या कहता है, इट इज अ बोट हाई पावर इंजन, जिसमें एक बहुत हैवी पावर इंजन होता है। इट इज यूज टोइंग पुशिंग एंड अनब्रेथिंग अदर वेसल हार्बर ऑल्सो यूज टू टोइंग बार्ज। ये जो टग बोट होते हैं गाइस, ये देखने में कुछ ऐसा होता है, इसको इसका जो इंजन होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उसको हम लोग शिप को जब बांधते हैं जेट्टी पे, बड़ा शिप है तो उसको बांधने के लिए आराम से, और बाहर पोर्ट से बाहर लेके जाने के लिए, जहाँ किसी वेसल कोई ख़राब हो गया पानी में तो उसको टो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और बार इसके पीछे एक बार्ज भी, कभी कभी कुछ टगबोट होते हैं जो बार्ज पीछे, जैसे ट्रैक्टर तो सबको पता है उसके पीछे ट्राली होती है ना, वैसे सेम तो बार्ज लगा दिया जाता है तो उसको भी टो करता है, तो जो टगबोट करता है सारा काम उसके, देखने में कुछ ऐसा होता है गाइस, पूरा अच्छे से देख लेना। सो नेक्स्ट है हमारा गाइस ऑफशोर वेसल्स है, ऑफशोर सप्लाई वेसल्स, इसको OSB भी बोला जाता है। इट इज यूज कैरी आइटम ऑन प्लेटफॉर्म मेक दिस शिप, रेंज इज 25 to 100 मीटर है। जो जो सप्लाई वेसल्स होते हैं ना, टग बोट की लगा लो 30 35 इतनी तक रहती है लेंथ, वैसे तो जो बड़े वेसल होते हैं उनकी 100 150 200 250, तो जो जो वेसल होते हैं जो मैक्सिमम 25 70 तक मैंने देखे हैं जो सप्लाई वेसल होते हैं। ये क्या होता है, कभी शिप को पानी की ज़रूरत पड़ गई या डीप सी में कहीं डीजल वगैरह या कुछ कैरी वगैरह ना, तो ये सब उनको पहुंचाया जाता है ये सप्लाई वेसल की तरह से। जैसे पोर्ट से कोई पानी का, किसी को पानी लेना है तो पोर्ट से ये लोग उनके पास पानी लेके प्रोविजन लेके पहुंच जाते हैं। तो इनमें भी वैसे ही बाज भी, ये टग बोट की तरह ही काम करता है, इसमें बाज भी कैरी किया जाता है और इसका इंजन उससे थोड़ा सा और हैवी होगा जो टग बोट से, जो सप्लाई वेसल होता है, ठीक है। तो ये इसको OSB भी बोला जाता है, ऑफशोर वेसल भी बोला जाता है। सो ड्रेजर, ड्रेजर क्या है गाइस, अ मरीन वेसल फिटेड विद द डिवाइसेस ऑफ स्क्रैप एंड सक द सेंटीमेंट डिस्पोजिशन ओवर सी बेड इज नोन एज अ ड्रेजर। अब जैसे ये वाला जो आप देख सकते हो, ये कौन सा है, ये है कटर सेक्शन ड्रेजर, और जो नेक्स्ट है ये नीचे होपर। कटर सेक्शन क्या करता है गाइस, ये जो पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला होता है, ये कटर होता है, ये ऐसे ऊपर से यहाँ से जब टीथ वगैरह चेंज करते हैं तब ऊपर लेके आया जाता है, नहीं तो यहाँ से नीचे नीचे जाता है ये पानी के अंदर। और ये जो ये वाला देख सकते हैं ना गोला,
और ये यहाँ पर ये होते हैं स्पड। ये पाँव की तरह ऐसे ऐसे आगे आगे जाता है, जैक का होता है, ये नीचे गया फिर आगे हाइड्रोलिक से आगे फिर वो नीचे फिर ऊपर उठा के, ये ऐसे काम करता है आगे आगे। और ये कटिंग करता है नीचे से, ऐसे कोई पहाड़ हो गया, जहाँ कोई मान लो कोई पोर्ट है जिसमें वैसल मान लो 25 मीटर तक या 15 मीटर तक आ सकता है, लेकिन कुछ वैसल जैसे समंदर में पानी लहर चलती रहती है तो मिट्टी आ जाती है ना, तो वो ऊंचा होता जाता है जैसे नीचे, और नीचे टच हो रहा है तो आपका जहाज किसी पोर्ट पे, तो वहां पर इसका ड्रेजर का काम किया जाता है। ये अच्छे से वहां की सफाई कर देता है, कटिंग वगैरह, पत्थर वगैरह, या किसी चैनल में कोई रास्ता बनाना हो ना पानी में, तो ये वाले वैसल बनाते हैं जो ऑफशोर में होते हैं ड्रेजर। और ये वाला नीचे वाला होपर है, ये कहता है ये कटिंग करके थोड़ा उसको दूर फेंक देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है, तो होपर वहां से क्रेन की तरह सक करता है, खींचता है, तो अपने ये हो जो हैच जो होता है इसमें पूरा हल में भर के दूर उसको डिप्सी में फेंक आता है, तो ये दबे ऐसे नीचे ना एक पूरा ऐसे अच्छे से यहाँ से सक करके तो वहां पर फेंक देता है, जो ये ड्रेजर का काम करते हैं। ड्रेजर इनको बोलते हैं, दो तरह के होते हैं, कटर सेक्शन एंड होपर ड्रेजर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पायलट बोर्ड। पायलट बोर्ड एक्चुअली ये क्या है, अ पायलट बोर्ड इज द टाइप ऑफ बोर्ड यूजिंग टू द ट्रांसपोर्ट मरीन टाइम पायलट बिटवीन लैंड एंड इन बोर्ड एंड आउटबोर्ड शिप। शिप को कभी भी जब लाया जाता है पोर्ट में, तो वहाँ पर क्या होता है गाइज, हर एक पोर्ट का एक अपना पायलट होता है जो कि बाहर के शिपों को वहाँ पर लेके हार्बर में अंदर लाता है और बाहर छोड़ता है, तो वो जो पायलट होता है उसके लिए एक ऐसा स्पेशल बोट होता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर पायलट को पायलट ऑन बोर्ड जैसे फ्लैग वगैरह मैंने बताए थे ना, GF लगाया जाता है, तो वो फ्लैग लगा दिए, अगर लगाया हो तो रिक्वायर्ड है एच ए, तो हमारे पास है ऑलरेडी आई हैव अ पायलट, जी है तो आई रिक्वायर्ड ए पायलट, तो वो फ्लैग लगा दिए जाते हैं, और पोर्ट को BHF के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जाता है हमें पायलट चाहिए, तो ये पायलट बोर्ड में पायलट जाता है वहाँ पर, वो शिप को अंदर लेके आता है या फिर शिप को बाहर जो भी छोड़ना था। तो आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड नीचे एक बेल आइकन भी दबा देना गाइज, उसे क्या होता है कोई भी न्यू वीडियो होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड थैंक यू टू वॉचिंग गाइज।